एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल्सिंग टू पास जस्ट गेट लॉस्ट इन वॉइस जब मैं कभी सुन रही हूँ उनको तो मैं उनके स्वर की मधुरता में खो जाती हूँ so, giving you all a big warning before Pastor Jakes comes. That don't get lost in the voice, but get lost in the word because Pastor Jake is gonna be speaking about some amazing, amazing topics. Alright, let's join us and welcome Pastor Jakes. And welcome again Pastor James Moses. Thank you so much, Pastor. Pastor James Moses, thank you.

You know, when I was working uh, in, in, a, in a company, I was, I was in sales. And uh, they would ask the question, you know, where do you see yourself five years from now, ten years from now? And uh, that was the most difficult question for me. और मेरे और मेरे ये सबसे ज्यादा जो कठिन सवाल था जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ। Because I didn't know, uh, I couldn't see myself a week from now। और क्योंकि मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं आने वाले हफ्ते तक भी अपने आप को मैं देख नहीं पाता था। Things were so difficult। क्योंकि बातचीजें इतनी मुश्किल थी। Work was so demanding। और काम का इतना इतना इतनी मांग थी बड़ी।

कि कभी भी देरी नहीं हो चुकी है so it's, है। तो तो अब यदि आप इसे आज सुन रहे हो, कि सुनकर आप उसका क्या करते हो आज से अब से लेकर आने वाले हमारे दिनों तक सो एवरी टाइम आई हेयर दिस मैसेज

और ये एक प्रेरणादायक भी है प्रेरणा मिलती है कि परमेश्वर का पीछा करते रहे बाकी सब चीजों को पीछे छोड़कर you know, और जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का पीछा कर uh, रहे हैं इट मीन दैट वी लीव एवरीथिंग गो ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन एंड जस्ट रीड द बाइबल एंड प्रे इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको जीवन की छोड़ छाड़ कर एक पहाड़ पर चले जाते हैं और वहीं पर बाइबल पढ़ते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हम इसे समझते हैं It's right कि वो जहाँ कहीं भी हम है वहीं पर हमें करना है इन द ऑफिस और हो सकता है कि आप जिस कार्यालय दफ्तर में काम कर रहे हो इट काम कर रहे हो वहाँ पर भी ये कह सकते हो कि मैं मैं घर बनाने वाली व्यक्ति हूँ सुबह से शाम तक चारों दीवारों को देखते रहती हूँ संतुष्टि तब मिलती है जब हम परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी योजनाओं में चलते रहते हैं Uh, we read yesterday, pastor read for us yesterday. Okay, uh, the first one uh, uh, was from Psalm 139 and verse 16. Okay, so uh, this verse talks about the fact that God has a divine plan and purpose even before we come into the picture. और यह वचन बात करता है इस विषय के बारे में कि परमेश्वर के पास अलौकिक उद्देश्य और योजना हमारे लिए है हम वहां पर पृथ्वी पर आने से पहले इट्स अमेजिंग बहुत ही अद्भुत है कि नहीं दैट वुड केयर सो मच अबाउट कि कोई हमारे बारे में इतना सोचेगा और ख्याल रखेगा जस्ट थिंक अबाउट इट इसके बारे में सोचे दिस अमेजिंग गॉड अद्भुत परमेश्वर पावरफुल समर्थवान सब कुछ जानने वाला He dwells in unapproachable light. और ऐसे प्रकाश में वो रहता है जहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। like Worshipped by the heavens and all the nations. और सारे स्वर्ग में सारे पृथ्वी के राष्ट्रों के द्वारा उसकी आराधना की जाती है। Now, This God knows you. परमेश्वर तुम्हें को no जब कोई भी नहीं था वहां पर, He was वो वहां पर लिख रहा था स्वप्न देख रहा He was था planning. वो योजना कर रहा था गुड थिंग्स अच्छी बातें गुड थिंग्स अच्छी बातों के बारे में

और मुझे मेरे जीवन में कुछ चोट है उनसे मुझे ऊपर कर निकलना पड़ा एंड आई रिमेंबर यू नो आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड एग्जाम आई वेंट टू माय फादर एंड आई आस्क्ड यू नो व्हाट ग्रुप शुड आई टेक और जो मुझे याद है कि जब मैं दसवीं पास होने के बाद मेरे पिता के पास गया और 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 मैंने मैंने कहा कौन से विषय लेना चाहिए? No, well. <laughs> और उन दिनों में अच्छी पढ़ाई किया करता था मैं? So, और अच्छे मुझे अंक मिले थे so, saying, hey, और सभी लोग कह रहे थे कि भाई तुम इंजीनियर की राह लो नहीं तो so, आप मेडिसिन की so, I, I dad, you know, मैंने

किस चीज को पकड़ना चाहता हूं ले होल्ड ऑफ दैट फॉर विच क्राइस्ट लेड होल्ड ऑफ यू और वो me. कहता है कि मैं उस चीज को पकड़ना चाहता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ लिया है। ऑफ you अस know, और हम लोग यहां पर सब है क्योंकि यीशु ने हम सबको पकड़ लिया है। ऑफ अस

और अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहिए आप परमेश्वर के कला का कार्य हो ओके सम पीपल आर नॉट ओह या ओके कुछ लोगों को विश्वास नहीं है यू जस्ट से यू आर अ वर्क ऑफ आर्ट कहिए आप एक कला का कार्य हो आप यू आर अ वर्क ऑफ आर्ट आप एक कला के कार्य पर्सन एंड से थैंक यू और वाले से कहिए धन्यवाद गॉड अस इज वर्क्स ऑफ आर्ट परमेश्वर हमें बुलाया है कि हम उसके हाथों की कला है हाथों की कारीगरी है क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस मसीह में सृजे गए हैं फॉर गुड वर्क्स भले कामों के लिए हैज क्रिएटेड बिफोर हैंड और जिसे उसने पहले ही तैयार किया दैट वी शुड वॉक इन देम जिसमें हम चल सके अमेजिंग गॉड अद्भुत परमेश्वर वॉट we नीड इन लाइफ और हमें जीवन में और क्या चाहिए

पूरा करने के लिए हमें एक यात्रा से गुजरना होता है और 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 अब हम 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 दाऊद दाऊद की की कहानी ओर देखने वाले हैं okay, हैं उसकी यात्रा को को देखेंगे के जीवन में से बहुत सारे बातों को सीख सकते हैं। doing, और जो भी वो कर रहा था और करते हुए जिस यात्रा से गुजर रहा था बाइबल गॉड और शास्त्र कहता है की उसने अपनी उठाया ने कहा ऐसे व्यक्ति को देखा दाऊ जो इसे का पुत्र है ऐसा पुरुष है जो मेरे हृदय का पीछा करता है

और कहते हैं कि उसने अब उसकी पीढ़ी में जब परमेश्वर की सेवा करने के बाद में परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो गहरी निद्रा में चला गया Amen. That's the greatest joy. और ये सबसे बड़ा आनंद है हमारा जीवन हमारा जीवन है परमेश्वर के मकसदों की सेवा करना और उसे कर, पूरा करना And that means serving the generation that

और हम देखते हैं कि राजा sorry, king Saul has been rejected by गॉड और हम देखते हैं राजा शाउल को परमेश्वर ने ठुकरा दिया है किंग uh, ऑफ Israel। और इजराइल के ऊपर राजा होने के नाते उसे ठुकरा दिया है एंड गॉड to टू गो एंड डेविड as किंग और परमेश्वर जो है नबी शोल को भेजते कि वो जाकर दाऊद को अभिषेक दे राजा बनने के लिए डेविड इज दंग ऑफ एट ब्रदर्स और हम देखते कि दाऊद जो है वे आठ भाइयों के परिवार में सबसे छोटा है एंसोल गोस so,

He's is tall He's he strong uh, he seems to be intelligent or uh, yeah definitely he fits the qualifications

हमारे दोस्तों को बेचते so to see. हम पूरे डरे हुए थे खुद देखने के लिए देखते बोलते पहले सूची में तेरा नाम नहीं है But don't worry, a list. लेकिन चिंता ना कर एक और लिस्ट बाकी है so Jesse asks, you know, is that all? और इसे कहता है क्या इतने पूरे हो गए सब शब्द yeah, Sam कहता है uh, कि क्या इतने ही है

एंड अटैक्ट दिं या उस भालू पर उसने हमला किया एंड टुक अवे दट लाइम और उनके जबरों से उस मेमने को छोड़ाया वेरी ब्रेव मैन और बहुत ही साहसी व्यक्ति है यह राइट

कुछ तो हो रहा है उसके साथ। he's faced some fears, he's some fears. उसने कुछ डर का सामना किया और डर पर विजय हो रहा है he's some वो उसके अंदर जो है है। बल बन, बनता जा रहा है। even as he's care of the sheep, और जैसे इन भेड़ों की देखभाल कर रहा है you know, he's some और उनके बीच रहकर कुछ धीरजवान बन रहा है वो। A lot of are to him. और उसके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है एंड मे बीज थिंकिंग यू नो आई वॉज अन और शायद वो सोच रहा होगा कि वो मुझे राजा करके अभिषेक किया गया था मे बी गॉड मेड अ मिस्टेक शायद उन्होंने कोई गलती तो नहीं की हो आई एम जस्ट माय इमेजिनेशन मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं राइट right? I'm taking care of the sheep. मैं यहाँ पर भेड़ों की देखभाल कर रहा हूँ. And they're making a mess everywhere. और ये सब यहाँ वहाँ गंदगी कर रहे हैं. I'm, I'm, take, I'm, I'm doing all this. मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ.

और, और लोग हर दिन आपके बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलेंगे शायद

स्पिरिट और ये जो शौल है जिस आत्मा से वो पीड़ित है जैसे बजाने लगता है तो शौल को काफी ताजा तोना महसूस होता है

And so, as he played that instrument, I'm sure it was as unto the Lord. That anointing stirred up, and, uh, and then uh, Saul was delivered. And so uh, Saul says, You know, he needs to be with me now. और शॉल कहता है कि अब जरूरी है कि दाऊद यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहिए you know, और उसे यहाँ रहना जरूरी है एंड इट से हम देखते किस वचन में कि वहां पर शाउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया ओपन डोर एंड ब्रॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू यूज दैट और जो अभिषेक और जो वरदान है उसके लिए दरवाजा खोल दे जिससे कि वो इस्तेमाल कर सके उसे of, uh, और उसे ऐसे ऐसे स्थान पर ले आ, ऐसे पद पर ले आए जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था बिकॉज you know, कहता है कि उसे मेरे दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ

कर चला जाता और अपने पिता की बेड़ों की देखभाल करता you know, उसने अपनी उस ज़िम्मेदारी को भूला नहीं। so back, sheep, और वो कर जाता और बेड़ों की और की देखभाल करता फिर लौट के आता और शाऊल के साथ में समय बिता

and then we have uh, Shalom. Shalom, please stand. You know, these are tall men. Like, how, how tall are you, Benji? Six three. Che fourteen inch. Six three. Che okay. fourteen inch. So, okay. Now we uh, thank you. Krupa, now we read about Goliath. अच्छा हम गोलियाद के बारे में पढ़ते हैं. He is nine foot. वो नौ फुट का व्यक्ति है. Nine inches. और नौ inch. Everybody looked up to him. सब लोगों से ऊपर देखते थे. नौ इंच स्ट्रॉग मैन और बलवान व्यक्ति बिग बुली और बहुत ही डराने वाला यू नो he's coming and he's intimidating the armies he knows he can beat anyone send your, send your champion you know, every day he would come and taunt the armies you know, this nine-foot man, nine man and it says that he had this armor upon him और उसके बारे में कहा गया है कि उसके पास ऐसे हथियार कवच लगे हुए थे और उसका वजन ही था सत्तावन ऐसे किलो यू नो जस्ट इमेजिन यू वेयरिंग क्लोथिंग दैट इज लाइक 57 लाइक विद यू और कल्पना करें कि आप ऐसे वस्त्र पहने हुए जो सत्तावन किलो के हैं जैसे कि आप किसी व्यक्ति को उठाकर चल रहे हो एंड इट से और इसके बारे में कहा गया कि जो भाला को उठाकर वो चलता था इतना बड़ा था जैसे जो बुनकारी का जो बड़ा जो लकड़ी का जो बड़ा स्तंभ होता है उस उस जैसा बड़ा और चौड़ा था उठाकर चलता था एंड ऑफ दैट स्पियर लोन वु केजीस और उस भाले का जो नोक है उसका ही वजन साढ़े छ किलो था So this is the man you know he's come and he's taunting the armies aur and uh, and Jesse sends David

the uh, Goliath taunting the people. और सब करता है और फिर लौटने लगता है और फिर उसे सुनाई पड़ता है कि गोलियाँ जो है सेना पर ताने कस रहा है. And uh, and the people say and the, and the soldiers say you know uh, the king has said that he will give great riches he will give his daughter in marriage. वे कहते हैं कि राजा ने घोषणा की है की जो भी कोई भी दाउद को मार गिराएगा उसके लिए राजा ने कहा है की उसे बहुत सारा संपत्ति देगा अपनी बेटी का हाथ शादी में दे देगा और उसके जीवन पर उसके घर पर जितने भी कर या चुंगी है वो सब माफ कर दिए जाएंगे बोलो क्या क्या मिलने वाला है What all will we get? kya kya मिलेगा? And then he goes. और And he says, you know, I, I want to fight. Okay. कहता है मैं लड़ना And he says, let no man's heart fail because of this Goliath. और वो Verse 32. और 32 vachan में वो Let no man's heart fail because of him. Verse 17 and chapter 17 and verse 32. 17वां अध्याय or 32 vachan me कहता hai. किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो योर सर्वेंट विल गो एंड फाइट पलिश्ती से लड़ेगा एंड यू फाइट और फिर वे उसे पूछते तुम कैसे लड़ पाओगे तुम कैसे जा पाओगे एंड दिस इज वॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ डेविड और दाऊद इस तरह से जवाब देता है यू नो फर्स्टलीस

The Lord who delivered me from the lion and the bear, He will deliver me from this Philistine. So, whatever victories He had in the field, He knew that God was with Him and He attributed that to God. और वो जो भी उसे जो विजेता प्राप्त हुई थी खेत में काम वहाँ पर भेड़ों की देखभाल करते समय में और वो अनुभव उसने परमेश्वर की ओर देखा कि उसके द्वारा ही तो मेरे पास में भाला लेकर आया है बट आई कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस लेकिन मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ सेनाओं के युवा

जैसे वो दौड़ता जा रहा है लड़ने के लिए एंड ही स्टोरी और हम जानते हैं आगे कहानी में क्या होता है एक ही मार में वो गोलियात को गिराता है फ्रॉम द स्टोनिंग गोफन लेकर गिरा an फिलिस्तीनो के लिए बहुत ही धक्का दायक no, ऐसा were, were, बात हो गई सम इंटरेस्टिंग फाइट और वे कुछ दिलचस्प लड़ाई की और अपेक्षा में थे बट इट जस्ट वन शॉर्ट नॉक आउट लेकिन एक मार से ही गिर गया नीचे

और जब वहां से गुजरता है तो लोग उसके बारे में गीत गा रहे जश्न मना रहे हैं और सभी जो महिलाएं हैं वो गा रही हैं। Now, initially, Saul is very pleased. और शुरुआत में शॉल बहुत खुश होता है इन सब से। wow, this problem is gone. अरे बड़ी समस्या मिट गई yeah, this guy solved it for us. और इसने आकर हल निकाल दिया And he is very pleased with David. और वो दाऊद से बहुत ही प्रसन्न होता है बट स्लोली वेन पीपल साइंग प्रेजेस टू डेविड मोर Then Saul, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोग जो है डेविड दाऊद की गुणगान गा रहे ज्यादा गीत गा रहे शाउल से ज्यादा बढ़कर तो उसके हृदय में जलन आता है, होता है. Right. So और हम देखते हैं कि जो बर्ताव था राजा शाउल का दाऊद के साथ में ये अब बर्ताव में बदलाव होने He लग रहा है jealous. वो उसके वो जलने लग रहा है uh, दाऊद पर गुस्सा भी होने लग रहा है and he sends him out he, he still gives him some responsibilities iske bawajood usse aur kuch zimedariyan bhi deta rehta hai and it says that david behaved very wisely Or shastra kehta hai ki daud ne badi buddhimani se apna 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 bartav dikhaya he behaved very wisely badi buddhimani se apna bartav dikhaya and people saw that aur logon ne ise dekha

लेकिन सबके बीच दाऊद ने बुद्धिमानी से दिखाया और uh, और मुझे मुझे लगता लगता है है कि 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 वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है। sure जरूर मुझे लगता हुआ कि उसने याद किया होगा उस दिन को जब जबेल आया था और उसने उसे अभिषेक किया था सो so ही तो वो बहुत ही बुद्धिमानी रूप से बर्ताव किया

अरे मैं बहुत करीबी उस बुलावे को पूरा करने के लिए और कदम आगे और मैं आसन पर पहुंच जाऊंगा शायद मुझे पता नहीं मुझे लेकिन मैं सोच रहा हूँ लेकिन अब वो भाग रहा है

वही नहीं देर आर फोर हंड्रेड हिम लेकिन उसके साथ में इतर चार सौ पुरुष you know, और शास्त्र कहता है कि कर्ज में डूबे हुए थे असंतुष्ट थे और वे बुरी हालत थी उनकी वे सब आकर दाऊद के साथ जुड़ अप कल्पना कीजिए हर रोज सुबह उठ रहे हो वे शुड आई रन कहा किस दिशा में भागो हाइड किस दिशा में कहां जाकर छिपो और ये लोग लड़ रहे हैं ये लोग असंतुष्टे मेरे साथ लेकिन इस वक्त आपस में चल रहा है था। so, what did David do? तो ने क्या किया

In the things of God, और right? इसे देखे तो वो परमेश्वर की चीजों में बातों में और ज्यादा ज्यादा बलवान होता गया। so we have a तो हमारे चुनाव है कठिनाई भरे मौसम आते हैं परमेश्वर से हम दूर हट सकते हैं और करीब जा सकते हैं right? we can draw away from God. हम से दूर हट सकते हैं

और इसका मतलब है कि दाऊद ने परमेश्वर के साथ में रिश्ते में बनाए रखा बना रहा ही वट एवर वट इज गोइंग ऑन ही फोर्ड आउट His heart to God. जो भी कोई स्थिति से वो गुजर रहा है उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से बहा दिया बोल बयान करते हैं Whatever he was, he was venting to God. He was, he was complaining. जो भी कुछ उसके हृदय में था वो तकरार कर रहा था जो भी बातें हृदय में थी वो कह रहा था हम यू वज नो दैट यू नो वी कैन वेंट टू गॉड

मैंने तुझे यत्न मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है मैं तेरी प्रशंसा करूंगा इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा मेरा जीवन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है मैं और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा सो और कह रहा है परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है नॉट ओनली वेन थिंग्स इन टाइम इन यू आर माई गॉड और तब ही नहीं जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो लेकिन प्रभु इस समय में इस दौर में भी तू मेरा परमेश्वर है राइट थिंग्स right मैंने सब कुछ सही रीति से किया बट स्टिल सब के बावजूद मैं इस स्थान में पहुंचा हूँ

And in 1 Samuel 30, it talks about how he comes back in this place called Ziklag. the Amalekites have destroyed and, and taken, you know, all the, uh, everyone captive, uh, all their belongings and the families. And it says that David strengthened himself.

और ये एक प्रक्रिया है काम है काम चल रहा और और हमारे भीतर तो बहुत सारी चीजों तैयार किए जा you know, रहे हैं कुछ अलग अलग कुछ अलग-अलग हुनरों को सीखता है और उसकी कुछ कमजोरियां उससे दूर की जाती है प्रोसेस so, और तीसरी बात है उस दौर से गुजरते समय आप विश्वास योग्य बने रहे you know, आप निरुत्साहित ना हो अप

और शायद आप बड़े बड़े मशहूर प्रसिद्ध लोगों के पास जाओ उस समय में आप बुद्धिमान बने रहे और नम्र बने रहे इन दिल्डनस सीजन इन दिल्डनस सीजन और आपके जो जंगल से गुजरने के मौसम में ड्रॉ नियर टू गॉड परमेश्वर के करीब जाए गॉड इज बिल्डिंग इन और उस समय में कुछ ऐसे बल बल्ब की बातें जो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहा है बांध रहा है you know, he knows थ्रू और वो जानता है और हमें उस दौर से वो लेकर निकालेगा एंड लास्टली स्टेपन ट्रील विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रेटिट्यूड और अंत में जो है आपकी जो बुलाहट है उसमें प्रवेश करे धन्यवाद के साथ में और भरोसे के साथ में एंड रिमेंबर फुलफिलमेंट ऑफ द कॉल कंटिन्यूज एज अ डेली जर्नी और याद रखें कि आपकी बुलाहट की जो परिपूर्णता है वो पूरी होती है आपके हर दिन की यात्रा के द्वारा right. so तो ये हर दिन की बात है। और इस समय समाप्त हुआ। क्यों ना हम खड़े हो जाए प्रार्थना करें यू टॉक टू लॉर्ड आप प्रार्थना करें आप प्रभु से आइडेंटिफाई विद एंड डेविड्स जर्नी और शायद आप अपने जीवन में भी दाऊद की जीवन और उसकी यात्रा की कुछ बातों के साथ कह so सकते हो कि मेरे साथ भी ऐसा है। to to आप प्रभु से बात करना शुरू करें। कि प्रभु मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ थैंक यू दैट यू आर विद मी मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू साथ है Lord, I, I, I come back to the call. और प्रभु मैं मेरे पुलावे की ओर लौट कर आता हूँ ये धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे बुलाया है इट इज यू हु हैज कॉल्ड मी कि प्रभु तू ही है जिसने मुझे so, बुलाया है आई डोंट वांट टू मेक लाइट ऑफ दैट सिचुएशन और प्रभु मैं उस स्थिति को इसलिए हल्के रीति से नहीं देखना चाहता आई डोंट इवन वांट टू डाउट और बी इन अनबिलीफ

और सांत्वना बहने दें यस लॉर्ड लेट हु नीड दैट स्ट्रेंथ ओ गॉड लेट देयर बी स्ट्रेंथनिंग राइट नाउ और प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता कि जिन्हें प्रभु उस बल की शक्ति की जरूरत है प्रभु वो प्राप्त करेंगे स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन प्रभु शक्ति प्रभु आगे बढ़ते uh, चले जाने के लिए टेक नेक्स्ट स्टेप और अगला कदम उठाने के लिए शक्ति Lord, you, और प्रभु ऐसी क्षमता दे हमें कि हम हमारी नजरों को तुझ पर लगाएं क्योंकि प्रभु हमारे विश्वास का सृजन हार उसे सिद्ध बनाने वाला तू ही है और प्रभु आज हम तुझे सारी स्तुति और सारी महिमा देते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं